नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में राज्य के जो तमाम सियासी दल हैं कड़ी मंथन के साथ अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की तरफ से सोमवार की देर शाम 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस लिस्ट के लिए समाजवादी पार्टी को धन्यवाद कहा है। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सपा प्रत्याशियों की सूची आते ही श्री अखिलेश यादव जी, आप जनता से जो छिपाना चाह रहे थे मजबूरी में जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ा। यह सूची नहीं, अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश है। 10 मार्च को सपा समाप्त पार्टी बनाने के लिए धन्यवाद। जिस तरीके से तंज कसते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को धन्यवाद कहा है और कहा है कि 10 मार्च को सपा समाप्त पार्टी की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। हम आपको बता दें कि जैसे ही सपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया तो उसमें कई ऐसे प्रत्याशियों के भी नाम थे जिन पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और जिन पर कई आरोप लग चुके हैं। ऐसे में कैराना की बात की जाए तो ये चर्चा थी कि सपा जो है इस बार कैराना से नाहिद हसन का टिकट काट सकती है, लेकिन जैसे ही सूची आई उस सूची में कैराना के से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से ही लगातार जो है भाजपा की तरफ से सपा पर पलटवार किया जा रहा है और दंगा और दंगाइयों और भ्रष्टाचार सहित अपराधियों को टिकट देने का अखिलेश यादव पर आरोप लगाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो 7 चरण में होने हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का जो शुरुआत है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगा और 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान जो है पूर्वांचल यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाके समाप्त होगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। तब ये स्थिति साफ होगी कि तमाम जो सियासी दल अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, जनता किसका साथ देती है।